अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटर पार्ट टू मतलब सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस गैस पेपर के हवाले से बात करेंगे। ये गैस पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, ये तमाम के लिए है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अगर हम करें यूनिट वन की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डाटा मैनिपुलेशन, व्हाट इज़ फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन प्रोग्राम फाइल विद एग्जांपल, नेक्स्ट डिफाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन रेडियोडेंसी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फीचर्स ऑफ DBMS। यूनिट नंबर टू की बात करें तो व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, डिफाइन इंडेक्सेस, डिफाइन फॉरेन की, डिफाइन की लिस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिफाइन टेबल या रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ रिलेशन इज़ फॉर्म्ड इन डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एंटिटी इन एन ERD। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ यूज़र और एंड यूज़र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यूनिट नंबर थ्री से तो डिफाइन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट डिफाइन डाटा मॉडलिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ ER डायग्राम। यूनिट नंबर फोर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिफाइन एंटिटी, डिफाइन इंटेग्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स डेटाबेस इंटेग्रिटी पार्शियल डिपेंडेंसी। ये यूनिट फोर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट फाइव की तरफ चलते हैं। RDBMS ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेटाबेस विजिट और सैम्पल डेटाबेस एक ही बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमें लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ क्यूरी इज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ IDE, यूजेस ऑफ MS SS रिपोर्ट्स एंड लिस्ट द पास्ट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो इन MS SS। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, फिर आपको आखिर पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। यूनिट नंबर सिक्स की बात करें तो प्राइमरी की, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा शीट व्यूज़ इन MS SS। नेक्स्ट कार्डिनेलिटी ऑफ रिलेशन, डिग्री ऑफ रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट राइट डाउन द टू टेबल अवेलेबल इन SS। उसके बाद यूनिट नंबर सेवन की बात करें तो सब फॉर्म, यूजेज ऑफ कॉलमनर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट पर्पज ऑफ कंट्रोल, नेमिंग कन्वेंशन, सिंटैक्स ऑफ मैसेज बॉक्स, व्हाट आर मेथड्स इन VB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी विंडो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोड विंडो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ टाइमर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट की प्रेस एंड की अप इवेंट्स। नेक्स्ट इवेंट्स ऑफ माउस, नेक्स्ट इवेंट्स ऑफ कीबोर्ड। यूनिट नंबर एट की बात करें तो डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केस सेंसिटिव इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्रामर, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स एरर, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। हेडर फाइल, कंपाइलर एंड असेंबलर, डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, डिफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रन टाइम एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन विजुअल प्रोग्रामिंग एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ डॉट नेट फंक्शन एंड व्हाट इज़ VBA, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर नाइन से बात करें तो यूनिट नंबर नाइन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन आइडेंटिफायर विद इन विद एग्जांपल। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएबल्स एंड टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट यूज़ ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेटर प्रीसीडेंट। नेक्स्ट डिफाइन कॉन्स्टेंट, लिस्ट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्टर कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
concatenation operator. Unit number 10 say standard input escape sequence. Next get ch function. उसके बाद next बात करें तो uses of format specifier in C language. Uses of scan function. उसके बाद next color screen function. Predict the output. Trace the error in the following code. List some important function for input. ये unit 10 से important questions है. Unit 11 की बात करें तो control structure and selection structure. Find output. Explain if statement. Find error. Write syntax of if else statement. Why break statement is used in a switch structure and switch statement. ये important question है unit 12 से. While loop. उसके बाद next sentinel control loop. Write syntax for for loop. उसके बाद next write syntax of do while loop and what is iteration. ये important question है unit 13 से. बात करें तो define function. List some benefits of using functions. Next question है local variables and its scope. Compare the local variable and global variable. उसके बाद next function cell actual parameter. Build in function. Lifetime of local variable. Function definition and function declaration. Unit 14 से बात करें तो compare binary and text stream. Binary stream, text files, file lost. उसके बाद next describe the project file in VB. उसके बाद next project explorer window. उसके बाद differentiate between method and property. Computer second year important long questions की अब हम बात करें तो second year के अब important long questions पे सबसे पहला जो question है what is data modeling and what are the ingredients of data modeling. ये unit number 3 से है. उसके बाद next explain the different types of data available in MSSS. ये unit number 6 से है. उसके बाद next की बात करें तो define query. Explain the uses of wildcard in query with examples. Next जो question unit 6 से है वो है discuss different methods of modifying a table. Next briefly describe the structure of C program. उसके बाद next while writing C program how many types of error can occur. Which one of the following is the most difficult to locate and remove. ये unit 8 से question है. बड़ी important question है ये. उसके बाद next question की अगर हम बात करें how would you create edit compiler link execute program. Unit 8 से है. Define next question. Define language processor or translator. Discuss the different types of language or processor. Next question है write program that input a character and write program that inputs a year and find whether it leap or not using if else structure. उसके बाद next question write a program that inputs a number and tell whether it is even or odd using if else structure. Next what is while loop. Explain the working with example. बाकी आप खुद आप स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इसको हाईलाइट किया गया है. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं टोटल तो इनको आप अच्छी तरह देख लें. तो ये थे सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का गैस पेपर. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई. वीडियो पसंद है इसको लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ बोर्ड एग्जाम डेट शीट गैस पेपर पेपर पेयरिंग स्कीम MDGATE से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.